हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है हमारे साथ हिमानी और आज हम आए हैं हिमानी की पार्टी में, क्योंकि हिमानी को हो गए पूरे पूरे 2 साल। किस चीज़ के? शादी को, यानी कि इसकी आज है एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी के लिए पार्टी करने के लिए हम लोग आ रहे हैं IDPL की रॉयल कैफे में। तो हम लोग यहाँ का एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी इन्होंने जिया जी ने इसके लिए गाना भी गाया, मस्त। गाइस बने रहना पूरे व्लॉग में। तो हिमानी को अब ढेर सारी शुभकामनाएं देना, क्योंकि इसको 2 साल हो गए, इसको भी नहीं पता चला कि इसके 2 साल कब पूरे होंगे। चलो अभी मिलाएगी आपको जिया जी से। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं रॉयल कैफे, तो मैं आपको दिखाती हूँ रॉयल कैफे फ्रंट से भी और अंदर से, क्योंकि ये सिटी गेट IDPL सिटी गेट के जस्ट थोड़ा सा आगे पे ही पड़ता है। तो चलो चलो। तो गाइज ये है लोकेशन रॉयल कैफे, जो कि लक्ष्मी नारायण स्वीट्स के बगल में ही है जस्ट। तो आज हम इस कैफे को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अभी मैं चलती हूँ और आपको अंदर से दिखाती हूँ। तो ये है आज के कपल्स हमारे, जिनको हो गए पूरे 2 साल। ये हिमानी, ये जीजू, हाय कर दो। हाँ पहले दोनों के दोनों थे और अब कमजोर हो गए। लेकिन हिमानी कह रही कि मुझे 2 साल कब हुए मुझे पता ही नहीं चला। चलो ऑल द बेस्ट, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना इनको गाइस। और ये है गीता दीदी, हाय कर दो दी। भारतीय जनता को वोट करिए। ये उनकी बेटी और ये है सबसे छोटी दीदी। तो गाइस अभी यहाँ पर जिया जी गा रहे गाना, एक मस्त गाना सुना दिया उन्होंने, अब वो दूसरा गाना सुना रहे हैं। तो चलो सुनते हैं। जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने के तू आई, कहीं चटकी कली कोई न ये समझा तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी लगा के जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।
लिखे जो तुझे क्यों आज कल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है, हो हो पत्थर के इन रस्तों पे फूलों की एक चादर है। जब से मिले हो हमको बदला हर एक मंजर है। देखो जहाँ में नीले नीले आसमां तले रंग नए नए है जैसे धुलते हुए। कोई से खाब मेरे जागे तेरे वास्ते, तेरे ख्यालों से है भीगे मेरे रास्ते। क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है, हो हो प्लीज तो हल्के हल्के गाना ना। चल गा फिर। दीदी आप गाओ। आज हिमानी और आलोक दूसरी शादी की सालगिरह है और हमारी तरफ से उनको ढेरों शुभकामनाएं आगे जीवन। सही है सही है सही है। और हमारा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। यूं ही ऐसे ही हम यूं ही सेलिब्रेट करते रहे। चलो इस बात पे एक गाना हो जाए। हाँ तो हिमानी गा रही है। चल हिमानी गा। हिमानी गा ना। कहने चल। तू ही तो हर जगह आजकल क्यों है, रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला। दीदी स्टार्ट हो गई है गाना गाने के लिए। अब गा रही है गीता दीदी गाना। चलो मुझे दो कोई खींचे आगे। वाह 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 वाह। से कसूर के ऐसे हो खफा, झूठे तो हुजूर, झूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी आई मेरा दिल जलाओ ना। अरे अरे हाई नी मुझे पागल हो तेरी चटी के कमाल करे। तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो हम भी तेरे खातिर रो सकते हैं। तेरे घर हमारे वाले सोचे और एक बार तेरी मुस्कुराहट में सब कुछ कर सकते हैं। क्या मेरी मोहब्बत और वो कोई इंतजाम की है मेरी मोहब्बत तो तुम्हें याद नहीं है क्या? क्या कुछ ना तेरे खाते पर बात नहीं है, दे बता तो मुझको एक ही वजह, मैं उस वजह से जिंदगी अपनी पूरी तनहे गुजार दूंगी। आंखों में आंसू नहीं है ये फोकस इसको देखो इसको इसको
ये कंधा बेबी है ना, कंधा बेबी अच्छा बेबी है। तो गाइस हमारा आ गया है खाना, ये रोटी क्या क्या आई, ये है दाल कपल खानी, जब कपल ने ये क्या है तुमने कहोगे ये कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर कढ़ाई नहीं है बस पनीर है, कढ़ाई पनीर ये नान है, ये माँ का फर्ज है। क्या हमारा रात का खाना आ गया सबके सब यहाँ पर, ये मम्मी मम्मी वाला ए ये हीरो मम्मी नहीं है मम्मी नहीं। तो गाइस यहाँ पर एक शूट हो रहा है, चलो चलो चलो, ये बनी है माँ ये बनी है बेटी, चलो मेकअप करने के बाद मेरे गाल लाल है बेटा, रोज खत्म होगी रुको बेटा देख ना बेटा गाल गुलाबी गाल गुलाबी। तो गाइस हम लोगों ने खाना पीना खा लिया, अब हम लोग जा रहे हैं घर, बाय बाय फोन मेरा बाय, लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे सब्सक्राइब करे वेरी गुड। तो दो केक यहाँ पर तैयार है कटिंग के लिए। तो गाइस हम लोग घर आ गए थे, घर आने के बाद हमको मिला बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ जो कि अंकल ने दिया था। तो यहाँ पर अंकल लेके आ रखे थे केक, फिर यहाँ पर आंटी कर रही थी तिलक लगा रही थी और फिर इनका सेलिब्रेशन कर रहे थे हम लोग केक काट के। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे आस पड़ोस के मेम्बर्स भी आ रखे थे केक कटिंग के लिए, तो अभी इनका सेलिब्रेशन करते हैं। अंकल देखना पहले खाने अंकल कह रहे मुझे कोई पूछे ना पूछे मैं पहले ही खा लेता हूँ। ले हिमानी ले हिमानी हिमानी ले नहीं पता। ये मानी को मिला गिफ्ट क्या है मानी दिखा दो, ये साड़ी दिखा ना साड़ी, वाह 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 सूट है ये, ऐसा लग रहा साड़ी होगी सूट है सूट। किसकी पसंद है ये मेरी, किसकी पसंद है ये बढ़िया। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर और घर पे बनाया हिमानी का केक कटिंग हुई है, सरप्राइज था जो कि अंकल ने दिया था, दीदी ने इसके लिए केक ऑर्डर कर रखा था जो कि दिन में ही आ गया था, और एक लाए थे अंकल जो कि अभी हमने काटा केक, सारे अगल बगल पड़ोसियों को सबको बुलाया मजा आ गया केक काट के। अंकल ने हिमानी को सूट भी दिया, यार कैसा लगा तेरे को सूट, अच्छा है बढ़िया सरप्राइज था तो बहुत अच्छा लगा सब चीज़, मजा आ गया आज। वैसे ये क्या है ये इसका नाम गबलू है हिमानी का गबलू है गाइस। तो मजा आ गया, हमने खाना पीना खाया वहाँ पर रॉयल कैफे में, अच्छा था वहाँ पर ना फैमिली रेस्टोरेंट टाइप का था। अच्छी बात ये थी कि तेरे जेजी ने आज गाना गाया, सच्ची में मेरे तो इतना शौक हो गई ना वो गाना सुन के, बाप रे बाप छुपा हुआ टैलेंट क्या था ना जिसे वो है भाई। और जब सब उनकी वीडियो बनाने लग गए ना उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया कि वो मतलब नॉर्मल जैसे गाते हैं वैसे गाने लग गए। हाँ सही में बहुत मजा था, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट करने मत भूलना प्लीज, बाय बाय बाय।